क्योंकि मैं जा रही हूँ मायके। सामान जो है वो शिफ्ट हो रहा है। फौरन से उतरी है, स्पीड से KFC भागी है। हम सब कौन है? क्योंकि हमारा प्लान है मेहंदी लगाने का। ईद ही नहीं हुई कल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मायके, मम्मी पापा के घर। उसकी एक अलग खुशी होती है। सीढ़ियाँ चलता हूँ। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूँ एक हफ़्ते के लिए, तो मैं घर की सेटिंग कर रही थी हफ़्ते के लिए, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं है। प्लान अब ये हो गया कि हम सब जा रहे हैं इकट्ठे, उधर ही ईद करने जा रहे हैं। घर बंद हो गया, सारी पैकिंग हो गई है नीचे गाड़ी में, सामान जो है वो शिफ्ट हो रहा है। मुझे अब याद आया कि ब्लॉग तो स्टार्ट कर रही हूँ। हम निकलेंगे यहाँ से, कोई 8 घंटे का सफ़र है, बहुत थकने वाला, बहुत थकाने वाला। सामान भी हमारा बहुत ज़्यादा है। अभी आपको गाड़ी दिखाती हूँ, जमा जम भरी हुई है। बहुत खुश हूँ मैं, वहाँ जाएँगे, दोस्तों से मैं मिलूँगी, अपनी स्कूल फ्रेंड्स जो हैं उनको मिलेंगे। मायके रहने की अलग ही खुशी होती है, और ईद मनाएँगे पीछे, इन सब में आपको साथ लेके जाएँगे। लुक एट ऑल दिस। बेचारी गाड़ी जो है, बेचारा वीगो जो है, वो इतना मुंह और नाक भर चुका है, क्योंकि इतना हमारा सामान है साथ लेके जाने वाला कि ख़त्म ही नहीं होता। हम सब अंदर और सामान बाहर, जो कि हालत आपने देख ली। अभी इस हालत के साथ ये 9 घंटे का सफ़र करके जाएगा बेचारा वीगो। अफसोस। ये आपकी क्या है? हैं? मेरे बाल आपने क्यों पहन ली? मैं, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? हम यहाँ पे सिर्फ कोक लेने के लिए उतरे हैं, क्योंकि आते हुए मुझे किसी ने लेके नहीं दिया। हम सिर्फ कोक लेने उतरे हैं, क्योंकि मुझे रास्ते में कोक के उतरे अपने फोन पकड़े। कोक नहीं है, पेप्सी भी दूँ? पेप्सी ले लो। कौन? हाँ पेप्सी ले लो। मेरी वेरी कंपल्सरी थिंग मुझे मिल गई है। थैंक यू। हाँ, ये तो चाहिए होती है। इसके लिए स्पेशल शॉप मैंने जाते हुए आते हुए कहा था मुझे ले दें, लेकिन इन्होंने बोला नहीं। तो आते हुए जो पैकेट पूरा भर के लाई थी वो स्पेशल होके भी तो हो ना, वो तो खत्म। इफ्तार ब्रेक भी हो गई, जिनका रोजा नहीं था उन्होंने भी इफ्तारी कर ली है ना। एक इंसान का रोजा था हमारे पूरी गाड़ी, बाकी तो सब सारे काम में, किसी काम में पीछे रह सकती है। मजाल है कि खाने के काम में पीछे। आखिर मुसलमान हो यार, इफ्तारी तो करनी है। यहाँ पे आए हैं, सियाल मोड़ रुके हैं, यहाँ पे गाड़ी हमने पार्क की और ये फौरन से उतरी है, स्पीड से KFC भागी है। भूख लगी हुई होती है बंदे को, खाना है पूरे रास्ते खाती आई हो, पता है ना। अरे फातिमा इधर बात सुनो, व्हाट इज योर नेम? फातिमा। अच्छा, हमारा दीन क्या है? हम सब कौन है? वेरी गुड। हाउ आर यू? वाह जी वाह। हेलो अगेन, एक ही व्लॉग में दूसरा हेलो इसलिए क्योंकि ये है दूसरी सुबह, मतलब कि अगली सुबह। हम रात को 12 बजे यहाँ पहुँचे थे। आते साथ हम लोगों ने एक दूसरे को जो जो शॉपिंग की थी, जो जो किया था, मतलब कि वो आपको, वो भी कंपलसरी होता है बहनों का, आपको पता ही है, वो सब हमने एक दूसरे को दिखाया, गॉसिप एक्सचेंज की। पूरी रात हम लोग जागे, बातें की, गॉसिप्स की, क्योंकि कुछ गॉसिप ऐसी होती हैं जो सुबह का वेट नहीं किया जा सकता, जो कि इंस्टेंट ऐसे निकालनी ही होती हैं, वो निकाली हैं। और अब एज यू कैन सी
मैंने लगाया हुआ है तेल ताकि कुछ ईद पे कुछ इनमें भी जान नज़र आए, मरे हुए ना लगे। दिस इज ऑल द हेयर आई हैव। नहीं नहीं थोड़े से नीचे पीछे फोल्ड भी हुआ मैं। खैर मेरे मुंह पे भी सारा तेल है, मेरे बालों पे भी सारा तेल है। आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा लिटल बिट स्किन केयर कर ली जाए। आई एम बैक। नहा के अच्छी बच्ची बन गई हूँ। जो मैंने तेल लगाया हुआ था वो मैंने हटा दिया, नहा लिया है। और ब्लैक सूट मैंने इसलिए पहना हुआ है क्योंकि हमारा प्लान है मेहंदी लगाने का। कोई पता नहीं अभी कल ईद बन रही है या नहीं बन रही है, रात को चांद रात होगी या नहीं होगी, लेकिन हम लोग क्योंकि तीनों बहनें इकट्ठी हैं तो उन्होंने कहा अभी हम मेहंदी लगा लेते हैं। तो मैंने करनी ही ससुराल जाके, और चांद रात भी शायद मेरी वहीं पे होगी, तो इन्होंने कहा कि हम साथ में जब तक हैं मेहंदी मिल के लगा लेते हैं। वो लगानी है इसलिए ब्लैक सूट है क्योंकि गंदे तो होने ही होने और मैंने तो करने ही करने मेहंदी लगाएंगे। अभी एक बहन जो मेरी है वो तैयारी कर रही है, मतलब कि वो नहा रही है। एक बहन जो मेरी है वो मेहंदी ढूंढने गई है, हमें मेहंदी नहीं मिल रही, हमने मंगवाई है और कोने वाली गुम हो गई है। साथ वो चल रहा है और साथ शायद वो कुकिंग चल रही है। आपको वो भी दिखाती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। सम कुकिंग इज गोइंग ऑन। पता नहीं ये क्या बन रहा है, मुझे कुछ ही नहीं पता। कुछ चिकन डाला हुआ है बदन। ये क्या बन रहा है? राइस। राइस बन रहे हैं, ठीक है। राइस में काली मिर्च कौन डालता है? इनकी अपनी ही रेसिपियाँ हैं, कुछ अजीबोगरीब। एक दिन रह गया है ईद में से और अभी तक कपड़े भी खत्म हो रहे। कभी वो कुछ लगा रही है, कभी वो कुछ लगा रही है। इनके एन ईद आ जानी है, मुझे लगता है ईद गुजर जानी है और इन्होंने ये कपड़ों की सिलाइयाँ करते रह जाना। कहीं से लेस उतर रही है, कहीं पर लग रही है। हम तो भाई सॉर्टेड हैं। जब ये इनके काम ख़त्म हो जाएंगे, एक की कुकिंग और दूसरी की ये सिलाई कढ़ाई, जब ख़त्म हो जाएगी फिर हम मेहंदी लगाएंगे। फिलहाल तो मैं नेल्स का कुछ करना चाहती हूँ। ये पिंक नेल पेंट मेरे ईद वाले ड्रेस के साथ जाएगी नहीं। मुझे है कहीं से मुझे वाइट नेल पेंट मिल जाए और मैं फ्रेंच नेल्स जो हैं घर पर जुगाड़ करके बना लूँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखे होंगे मैंने कुछ थोड़ा बहुत आर्टिस्टिक किया हुआ था, वो अच्छे लग रहे थे, तो मेरा दिल है दोबारा बनाऊँ और मेरे पास वाइट नेल पेंटिंग है। आई एम सैड नाउ। और ये नहीं अच्छा लगेगा, या तो मैं बिल्कुल ही उतार दूंगी या मुझे वाइट नेल पेंट का जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। लगाई नहीं लेकिन ख़राब हो गई, उसका भी पोपट हो गया क्योंकि लगवा तो उसने लिया और ईद ही नहीं हुई कल। कल का रोज़ा बन गया है और हम लोग ने भाई मैं तो बच गई, नहीं तो क्या ही रंग उसका रह जाए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक आपको और चीज़ दिखाऊँ। इधर देखो, इन्होंने ये पैट रखी हुई है जिससे मुझे बहुत डर लगता है। मैं दिखाऊँ, इसने तो लगा लिया और ईद कल बनी नहीं है भाई, मैंने तो नहीं लगाई। बस आज का व्लॉग यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।